कैसे आप लोग? तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे हमारे पास फॉरेन कंपनी क्या होती है। तो हमने इसके कुछ पॉइंट तो लिखे थे, बट कुछ पॉइंट अभी हमारे पास पेंडिंग थे। ठीक है बच्चों, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 42। एक बार सभी लोग आ जाएं, प्लीज ज्वाइन करिए फास्टली, क्लास स्टार्ट होने वाली है बच्चों। कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग पूछिए पहले। एनी डाउट यू हैव प्लीज आस्क। चलिए अब मैं आपको रिवाइज कराता हूं बच्चों। फॉरेन कंपनी क्या थी? एक ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर रजिस्टर हुई है, एक ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर रजिस्टर हुई है और इंडिया में उसका कोई ना कोई ऑफिस है, ई मोड में या फिर फिजिकल ऑफिस या एजेंट, और वहां से वो बिजनेस एक्टिविटी करके चलती है। कहां पे? इंडिया के अंदर, और वहां पे वो बिजनेस एक्टिविटी करके चलती है। तो बच्चों इसको हम बोलते हैं फॉरेन कंपनी। जब इंडिया में कोई आके बिजनेस करना चाहता है, कोई भी कंपनी यहाँ पे कंपनी नहीं रजिस्टर करना चाहती, वो चाहते हैं कि हम लोग एज अ फॉरनर ही वहां पे आ जाएं और कुछ टेम्प्रेरी साल दो साल दो तीन चार महीने काम करना है, उसके बाद नहीं करना, तो वो एज अ फॉरनर आ सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं एज अ क्या? फॉरेन कंपनी। ठीक है, इस तरह से अगर कोई कंपनी आके चलती है। तो हम इसमें लिख रहे थे ई मोड का मतलब क्या होता है, तो एक बार फोकस करते ई मोड के पॉइंट्स पे। हमने लिखे थे बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस, बी टू सी बिजनेस टू कंज्यूमर, ऑफर टू एक्सेप्ट डिपॉजिट पब्लिक से पैसा लेना, फाइनेंशियल सेटलमेंट कोई पैसे की सेटलमेंट्स होती है इंडिया में, ऑनलाइन सर्विसेज लाइक टेली मार्केट, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन रिसर्च, टेली मीडिया। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से ये काम कर रहे हैं भारत के अंदर, तो आपकी काइंड नॉलेज के लिए ये माना जाएगा कि वो फॉरेन कंपनी का इंडिया के अंदर प्लेस है। पहले क्या होता था बच्चों? फिजिकल प्लेस ही होता था, लेकिन आजकल जमाना चेंज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मोड से ऐप से लोग काम करना शुरू कर दे, बिटकॉइन है, ऐसे ही बहुत सारी फॉरेनर की एप्स हैं जिसके थ्रू लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो अगर उसके थ्रू भी कोई फॉरेन कंपनी बिजनेस कर रही है इंडिया में ऐप के थ्रू, तो भी हम मानेंगे कि वो फॉरेन कंपनी है इंडिया में। तो फिजिकल मोड के अलावा इलेक्ट्रॉनिक मोड को कवर करके चला है। तो आगे लिखते हैं बच्चों, पांचवा पॉइंट हमारे पास हमने छोड़ा था, तो पांचवे पॉइंट से हम लिखते हैं। ठीक है, आ जाइए फिफ्थ पॉइंट से शुरू करते हैं आगे बच्चों। वेब बेस्ड मार्केटिंग, कॉमा एडवाइजरी, एंड ट्रांजेक्शनल सर्विसेज, डाटाबेस सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अगर आप इंटरनेट बेस किसी की मार्केटिंग कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, डाटा बेस मतलब उनको कोई डाटा प्रोवाइड करने की सर्विस दे रहे हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई डाटा बेस की सर्विसेज दे रहे हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की सर्विसेज दे रहे हैं ई मोड में, तो भी माना जाएगा कि आपका इंडिया के अंदर प्रेजेंस है नॉलेज के लिए। फिर नंबर सिक्स, नंबर सिक्स सब्सक्रिप्शंस इन इंडिया और फ्रॉम इंडियन सिटीजन्स। अगर वो इंडिया में आके शेयर्स के लिए सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं, इंडियन सिटीजन को बोलते हैं, तो भी उसका ई मोड से माना जाएगा कि वो कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं कहां पे? इंडिया के अंदर। साथ में ऑल रिलेटेड डाटा कम्युनिकेशन
सर्विसेज, वेदर कंडक्टेड बाय ईमेल, मोबाइल डिवाइसेस, सोशल मीडिया, क्लाउड कंप्यूटिंग, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, वॉइस और डाटा ट्रांसमिशन। और अदरवाइज तो बच्चों आपके पास अगर आप कोई भी डाटा कम्युनिकेशन सर्विसेज देते हैं जैसे ईमेल से, मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, वॉइस और डाटा ट्रांसमिशन, तो ये भी आपके नॉलेज के लिए ई मोड है। अब देखिए आप फेसबुक यूज करते हैं, उसके आप पैसे तो नहीं देते, हम उसकी बात नहीं कर रहे। व्हाट्सएप यूज करते हैं, आप तो पैसे नहीं देते, लेकिन अगर कोई व्हाट्सएप का बिजनेस के लिए यूज करेगा, अगर कोई फेसबुक को इंडिया के अंदर बिजनेस एक्टिविटी करवाएगा, एडवर्टीजमेंट करवाएगा, तो बच्चों उस केस में फिर वो ई मोड में माना जाएगा। मतलब फेसबुक की साइट के थ्रू इंडिया में बहुत एड चल रही है, डाटा मार्केटिंग चल रही है, वेब बेस्ड मार्केटिंग चल रही है, एडवर्टीजमेंट चल रही है, तो उसको हम बोलेंगे। हाँ, वैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हो, आप कोई पैसे थोड़ी ना दे रहे हो, आपके लिए ये रूल अप्लाई नहीं होता, लेकिन जो जो कंपनी इसके थ्रू बिजनेस कर रही है ई मोड के थ्रू, तो उसको हम मान के चलते हैं कि उसका इंडिया के अंदर कोई ना कोई कनेक्शन है, और आपके नॉलेज के लिए वो कंपनी जो है फॉरेन कंपनी मानी जाएगी, बिकॉज उसका इंडिया में ऑफिस और वहां से कोई बिजनेस एक्टिविटी साथ में वो कर रहे हैं, डेट इज कॉल्ड एज फॉरेन कंपनी। तो ये ई मोड वाले पॉइंट थोड़ा सा माइंड में जरूर रखना। वहां पे आ जाएगा एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, एक फॉरेन में रजिस्टर्ड है और इंडिया में डाटा कम्युनिकेशन, टेली मार्केटिंग, टेली मीडिया की सर्विसेज दे रही है ई फॉर्म में, तो इसका मतलब वो फॉरेन कंपनी है, क्योंकि ई मोड से उसकी बिजनेस प्रेजेंस कंफर्म हो रही है और वो बिजनेस करके चल रहा है इंडिया में, तो डेट इज कॉल्ड एज फॉरेन कंपनी। ठीक है, लिखा सभी ने, एग्जाम्पल लिखते हैं बच्चों, एग्जाम्पल लिखते हैं। अब बच्चों determine whether it is a foreign company, आपको बताना है ये foreign company है या फिर नहीं है। determine whether it is a foreign company X limited is registered in India and is having a place of business in UK. क्वेश्चन सुनिएगा, एक एक्स लिमिटेड है, इंडिया में रजिस्टर्ड है, भारत की कंपनी है और यूके में प्लेस है, क्या हमारे लिए फॉरेन कंपनी है बच्चों? क्या इंडिया के लिए फॉरेन कंपनी है? नो बच्चों, ये इंडिया के लिए फॉरेन कंपनी नहीं है, क्योंकि ये तो इंडियन कंपनी है। फॉरेन वो है जो बाहर रजिस्टर्ड है, इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है। ठीक है, तो इट इज नॉट अ फॉरेन कंपनी, इट इज नॉट अ फॉरेन कंपनी, इसको हम फॉरेन कंपनी नहीं बोलेंगे, क्योंकि बच्चों इंडिया के अंदर ये जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड है, इट्स अ इंडियन कंपनी। नेक्स्ट, वाई लिमिटेड इज रजिस्टर्ड इन यूएसए एंड इज हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया फॉर डूइंग बिजनेस। अब बताइए, एक कंपनी यूएसए में रजिस्टर्ड है, एक कंपनी यूएसए में रजिस्टर्ड है और उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है,
फॉरेन में रजिस्टर्ड इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है, और वो इंडिया में बिजनेस भी कर रही है, अब ये होगी हमारे लिए इट इज अ फॉरेन कंपनी, इट इज अ फॉरेन कंपनी, अब ये हमारे लिए फॉरेन कंपनी है बच्चे, ठीक है। अब नंबर सी पॉइंट, वाई लिमिटेड इज रजिस्टर्ड इन यूएसए एंड कंपनी डज नॉट हैव एनी प्लेस इन इंडिया, वाई लिमिटेड यूएसए में रजिस्टर्ड है और कंपनी का भारत में कोई प्लेस नहीं है, तो बच्चों ये हमारे लिए फॉरेन कंपनी थोड़ी ना, जब इसका इंडिया में कोई प्लेस ही नहीं होगा तो इट इज नॉट अ फॉरेन कंपनी, इट इज नॉट अ फॉरेन कंपनी, इंडिया में प्लेस होना चाहिए, हम तभी तो बोलेंगे फॉरेनर है। देखो इंडिया में कोई आएगा तभी तो हम बोलेंगे, इंडिया में कोई आएगा ही नहीं हम कैसे बोलेंगे, हमें क्या पता वो कंपनी कहाँ की है, कहाँ रजिस्टर्ड है। तो फॉरेन कंपनी वो है जो हमारे यहाँ पे आएगा तो हमें पता लगेगा ये इंडियन कंपनी नहीं है, बाहर रजिस्टर्ड, इंडिया में कोई एक्टिविटी करने जा रही है, तो उसको जो भी रूल्स कंप्लायंस है कंपनी लॉ के वो कंप्लाई करके चलने पड़ेंगे। चले डन, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखें। चलिए एग्जाम्पल नंबर टू, अब बच्चों नेक्स्ट आ रहा है, वाई लिमिटेड इज रजिस्टर्ड इन यूके, वाई लिमिटेड कंडक्ट एंड प्रोवाइड डाटाबेस सर्विसेज एंड टेली मार्केटिंग सर्विसेज इन इंडिया इन ई फॉर्म, वेदर इट इज अ फॉरेन कंपनी, क्या ये फॉरेन कंपनी है कि नहीं है। अब देखो एक कंपनी रजिस्टर्ड यूके में है और उसने कंडक्ट किया प्रोवाइड डाटाबेस सर्विसेज एंड टेली मार्केटिंग सर्विसेज इन इंडिया ई फॉर्म में, तो बच्चों इंडिया में टेली मार्केटिंग की सर्विस कर रहे हैं, आपने देखा ई मोड के अंदर डिफाइन है, तो यस इट इज अ फॉरेन कंपनी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन हमें पेपर में आ जाता है तो हम क्या करेंगे, इस केस में फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन लिखेंगे जो दो लाइन की है, और ई मोड का जो पॉइंट है जैसे ये डाटाबेस या टेलीमार्केटिंग वाला, तो उसको एक्सप्लेन कर देंगे भाई ई मोड आल्सो इंक्लूड डाटाबेस एंड टेलीमार्केटिंग सर्विसेज, और फिर कंक्लूजन लिखेंगे लास्ट में कि सिंस ऑल द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 42 आर फुलफिल्ड सो इट इज अ फॉरेन कंपनी, ठीक है। तो हमें इसमें सारा ई मोड लिखने की जरूरत नहीं है, हम उस ई मोड के पॉइंट को एक्सप्लेन कर देंगे जिसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ, और फॉरेन कंपनी के जो डेफिनेशन के दो पॉइंट है वो हम लिखकर चलेंगे। सो डन है, पॉइंट क्लियर है प्लीज, सभी को कोई डाउट हो तो इसमें पूछे। चलिए फिर आगे चलते हैं, तो फॉरेन कंपनी अच्छा टॉपिक है, स्मॉल कंपनी अच्छा टॉपिक है, प्राइवेट कंपनी अच्छा टॉपिक है बच्चों, पेपर में आने लायक टॉपिक। अभी टाइप्स में रहती है हमारे पास कुछ टाइप्स, अभी हम लोग अभी बच्चों मेन मेन टाइप्स हमने लिख ली हैं, लेकिन दो तीन टाइप्स अभी रहती हैं। एक अभी जनरल टर्म लिखते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है और कॉर्पोरेशन क्या होता है। बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन क्या होता है हमारे पास, वट इज द मीनिंग ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट या वट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेशन, तो क्या होता है बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन क्या होता है, पता है किसी को, बोली क्या आप में से किसी को पता है कि बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन क्या होता है, बोली बच्चों। अब प्रैक्टिकली समझना पहले, फिर इसको लिखते हैं।
देखो हमारे यहाँ पे कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड लग जाता है। अपना अपना कल्चर है देश का। हमारे यहाँ बच्चे को राजू काजू घर पे निक नेम से बुला, राजू काजू इधर आ, निक नेम से बुला लिया जाता है। वहाँ नाम अलग तरह से हैं, फॉरेन के पेप्सी, ठीक है, टिमसी पिमसी, पता नहीं क्या क्या नाम है। तो उनका अपना कल्चर है, ठीक है। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे, हम इंडिया में कंपनी बोलते हैं और प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड लगाते हैं। फॉरनर जो है ना, आपके नॉलेज के लिए, फॉरनर वहां पे कंपनी ना बोल के आईएनसी बोलते हैं, आईएनसी। सेकंड, वहां पे आईएनसी या कंपनी भी बोलते हैं कई जगह पे, और नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड नहीं आता, आईएनसी वर्ड आता है, एबीसी आईएनसी। तो इसका मतलब वो कंपनी के कंपनी है। अब होता क्या है, हम इंडिया में बॉडी कॉर्पोरेट किसको कहते हैं? देखो नाम क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट का मतलब कंपनी होता है वैसे। कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट फीचर है, कॉर्पोरेट फॉर्म है, कॉर्पोरेट्स हैं, बिग हाउसेस हैं, बिग कॉर्पोरेट्स हैं, तो कॉर्पोरेट का मतलब कंपनी होता है। तो बॉडी तो वैसे लगा दिया आगे, और क्योंकि उसमें काफी सारे लोग इकट्ठा होकर काम कर रहे, तो बॉडी वर्ड लगा दिया। तो कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट मतलब कंपनी। इंडिया के अंदर हम कंपनी बोलते हैं, फॉरेन के अंदर हम कंपनी वर्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हर एक का अलग कल्चर है। तो हम क्या कहते हैं आपके नॉलेज के लिए, जो कंपनीज बाहर रजिस्टर्ड हैं, जो कंपनीज बाहर रजिस्टर्ड है वहां पे हम वर्ड यूज कर लेते हैं ज्यादातर, क्या, बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है एक इंडिया में जो कंपनी है वो फॉरेन में भी कंपनी है एक तरह से, और उसके फीचर कंपनी जैसे हैं। फीचर अभी बात करेंगे, कंपनी का अगला टॉपिक हमारा वही है फीचर। तो मतलब ये हुआ कि अगर मान लो हम फॉरेन के अंदर, फॉरेन की एंटिटी को जिसके फीचर्स कंपनी की तरह होते हैं, फॉरेन की एंटिटी जिसके फीचर्स कंपनी की तरह होते हैं, उसको हम बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट इन इंडिया। हम इंडियन कंपनी को नहीं बोलते, हम ये नहीं बोलते टाटा बॉडी कॉर्पोरेट है या रिलायंस बॉडी कॉर्पोरेट है। हाँ, फॉरेन का वॉलमार्ट हम बोल सकते हैं बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है ना। देखो ऐसे इसीलिए क्योंकि उसके फीचर्स कंपनी की तरह है, और कहीं पे कहीं कई देशों में पार्टनरशिप फॉर्म के भी फीचर कंपनी की तरह हो सकते हैं, तो हम उनको बॉडी कॉर्पोरेट्स बोलकर चलते हैं। तो उनके लिए वर्ड यूज होता है हमारे पास क्या, बॉडी कॉर्पोरेट। अब इसकी लैंग्वेज समझते हैं। इट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड। देखो इन्होंने कहा ये कंपनी है जो भारत के बाहर इनकॉर्पोरेट होती है, मतलब इंडिया के बाहर वालों को बोलते हैं हम बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। और इसमें ये नहीं आती, इसमें ये नहीं आती वो कौन, ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं आते, कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज एक्ट और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विच सीजी कैन स्पेसिफाई। सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अंदर सोसाइटी नहीं आती, सोसाइटी के अलग फीचर्स होते हैं, तो सोसाइटी को बॉडी कॉर्पोरेट का पार्ट नहीं माना जाता। और ऐसी एंटिटी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी कि इसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहना, तो फिर नहीं कहना। तो प्रैक्टिकली बात करें, बॉडी कॉर्पोरेट वो है जो बाहर रजिस्टर्ड है, इसके फीचर किसकी तरह है, कंपनी की तरह है, उसको हम बॉडी कॉर्प। तो फॉरेन कंपनीज को हम बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड भी यूज कर सकते हैं कि ये बॉडी कॉर्पोरेट है, जबकि इंडियन कंपनी में हम जनरली बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड यूज नहीं करके चलते। आप ये देखो, मैंने आपको अभी फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन लिखवाई थी, ये देखो फॉरेन कंपनी में लिखा था इट मीन्स अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया। तो बाहर वाले के लिए यूज करते हैं बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड, ना कि इंडिया वाले के लिए यूज करके चलते हैं। उसमें सोसाइटी या फिर कोई और एंटिटी जो गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी उसको इंक्लूड नहीं करके चलते। चले फिर आगे, कोई डाउट है प्लीज यहां पे पूछिए, फिर आगे चलते। प्लीज कोई डाउट है तो पूछिए बच्चों।
एनी डाउट यू हैव प्लीज आस्क। बच्चों लाइव क्लास चल रही है, इसका यही फायदा है कि आप डाउट साथ साथ ले सकते हैं, नहीं तो रिकॉर्डिंग में भी कोई डाउट नहीं आता। आप सोचो कि बच्चा अगर रिकॉर्डिंग देखेगा कि उसको कोई डाउट आएगा, ऐसा सच नहीं होता। बट लाइव में ये होता है कि बच्चे की थोड़ी टेंशन आ जाती है, थोड़ा टाइम टेबल बन जाता है, फिर 8 बजे क्लास चल रही है तो 8 बजे हम लोग उठ जाएं और क्लास लगाने के लिए अवेलेबल हो जाएं। चलिए फिर आगे चलते हैं। अभी हम 2 मिनट के लिए, हम 2 मिनट के लिए कंपनी के फीचर्स को भी रख देते हैं। अब हम चलते हैं बच्चों आगे, मतलब कि कंपनी के टाइप्स को छोड़ देते हैं, फीचर्स पे आ जाते हैं। तो हम लोग अभी टाइप्स पूरी नहीं हुई, 2-3 टाइप्स रहती हैं अभी बाद में, क्योंकि अब फीचर्स पढ़ने जरूरी हैं। कुछ फीचर्स समझेंगे तो ही आगे की कंपनी का हमें समझ आएगी। अब हम लिखते हैं फीचर्स ऑफ कंपनी। एक कंपनी जो होती है उसके फीचर्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? तो बच्चों आपको पता ही है, आपके नॉलेज के लिए, यू ऑल नो कि कंपनी वो है जो, हमने बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ी, जो इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ, उसको हम कंपनी बोलकर चलते हैं। जो इस एक्ट में या पिछले एक्ट में रजिस्टर्ड है, दैट इज कॉल्ड एज कंपनी, उसको हम कंपनी बोलकर चलते हैं। अब फीचर क्या होता है, एक कंपनी के क्या फीचर्स होते हैं? सबसे पहला पॉइंट रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन तो क्या होते हैं, रजिस्ट्रेशन का पॉइंट, इट इज मैंडेटरी फॉर द कंपनी टू गेट रजिस्टर्ड, गेट रजिस्टर्ड। कंपनी कम्स इनटू एन एग्जिस्टेंस फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। बच्चों पहला पॉइंट देखो, इंडिया में कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। पहली बात, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, मैंडेटरी मतलब कंपल्सरी। और कंपनी उस दिन से आती है जिस दिन वो रजिस्टर होती है। कंपनी होती तो आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन कंपनी का बर्थ उसी दिन से होगा जिस दिन कंपनी इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। हम इंडियन कंपनी की बात करें तो जिस दिन वो रजिस्टर्ड हो गई, उस दिन से कंपनी कम इनटू क्या हो गई, एग्जिस्टेंस में आ गई। तो लिखिए पहला पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट प्लीज। तो वेरी सिंपल, कंपनी रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी है, बिल्कुल मैंडेटरी है। यू नीड टू गेट द कंपनी रजिस्टर्ड, आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना बिल्कुल मैंडेटरी है। नंबर टू इंपॉर्टेंट फीचर, इस पे क्वेश्चन आ जाता है, परपेचुअल सक्सेशन। ये बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी बनाने का अच्छे फीचर्स में से एक है, परपेचुअल सक्सेशन। ये क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। बच्चों पार्टनरशिप में आपने पढ़ा होगा, अगर 2 पार्टनर है, की डेथ होगी तो फर्म क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। 2 पार्टनर है, एक की डेथ, फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी। कंपनी में ऐसा नहीं होता, कंपनी की लाइफ अपने मेंबर की लाइफ पर डिपेंड नहीं करते, कंपनी की लाइफ अपने मेंबर की लाइफ पर डिपेंड नहीं करती। कंपनी के मेंबर आए या जाएं, कंपनी गोज फॉरएवर। मतलब कंपनी बनाने का भी एक प्रोसीजर है, बंद करने का भी एक प्रोसीजर है। आप कह रहे हो सर 2 शेयर होल्डर हैं, अगर दोनों की डेथ हो गई, दोनों की डेथ हो गई तो कैसे चलेगा? कोई बात नहीं, उनके बच्चे अपने नाम शेयर ट्रांसफर करा के मालिक बन जाएंगे, कंपनी चला लें। लेकिन कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी ओपन करने का भी एक प्रोसीजर है और बंद करने का भी एक, क्या है बच्चों, प्रोसीजर है, जो आपको फॉलो करके चलना पड़ेगा। तो कंपनी बनाने का और बंद करने का एक प्रोसीजर है, जो आपको क्या करना है, फॉलो करके चलना है। इसको हम बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी की लाइफ मेंबर की लाइफ पर डिपेंड नहीं करती। तो लिखते हैं, मेंबर्स मे डाई और चेंज बट कंपनी गोज ऑन टिल इट इज वाउंड अप ऑन ग्राउंड स्पेसिफाइड बाय एन एक्ट। लिखा है
मेंबर्स में डाई और चेंज, मेंबर की डेथ हो सकती है, चेंज हो सकती है, बट कंपनी गोज ऑन टिल इट इज वाउंड अप ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड एक्ट. जब तक आप उसको वाउंड अप करके बंद नहीं करोगे, तो कंपनी आपकी नॉलेज के लिए जो कंपनी है वो जो कंपनी है बच्चों आपकी नॉलेज के लिए उसको जब तक बंद नहीं करोगे तब तक वो नहीं होकर चलेगा. फिर आगे आ रहा है लाइफ ऑफ कंपनी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन लाइफ ऑफ देयर मेंबर्स. लाइफ ऑफ कंपनी डज नॉट डिपेंड अपॉन लाइफ ऑफ देयर मेंबर्स. कंपनी की लाइफ मेंबर की लाइफ पर डिपेंड नहीं होती. सो मेंबर्स कैन कम एंड गो बट कंपनी गोज फॉर एवर. मेंबर आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, लेकिन कंपनी फॉर एवर चलेगी. डेथ, इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर्स डज नॉट अफेक्ट दी कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंपनी. डेथ से, इंसॉल्वेंसी के मेंबर से कंपनी की कॉन्टिन्यूटी पे फर्क नहीं पड़ता. To close a company prescribed procedure is required to be followed. तो क्वेश्चन में आ जाए, कंपनी के छह मेंबर हैं, छह के छह कहीं जा रहे थे, उनकी डेथ हो गई है, क्या कंपनी बंद हो जाएगी? नो. छह हैं बच्चों, बच्चे अपने नाम शेयर ट्रांसमिशन करा लें, शेयर शिफ्ट करा लें, वो मेंबर बन जाएंगे. मतलब कंपनी ऐसे बन जाएगी कि सारे मेंबर की डेथ होगी तो कंपनी बंद हो जाएगी. कंपनी की लाइफ मेंबर की लाइफ पर डिपेंड नहीं. ओपन करने का भी प्रोसीजर है, बंद करने का भी एक प्रोसीजर है. ठीक है, चले आगे. लिखा सभी ने, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्लियर हुआ सभी को? चलिए फिर आगे चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट. अब बच्चों इसी के नीचे एक पॉइंट लिखना है, परपेचुअल सक्सेशन के नीचे, इसी के नीचे हेडिंग बना रहे हैं मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एंड रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स बिलो स्टेटूटरी लिमिट. मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एंड रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ मेंबर बिलो स्टेटूटरी लिमिट सेक्शन 3A. बच्चों ये परपेचुअल सक्सेशन से ही लिंक है, तो इसलिए मैंने इसके साथ ही लिख दिया. अब मैं आपको वैसे समझाता हूं क्या बात है यहां पे. हर कंपनी में बच्चों जो कंपनी की लाइफ है मेंबर की लाइफ पे नहीं है, ये बात समझ आ गई. और अगर आपके मेंबर कम हो जाते हैं, जैसे प्राइवेट में दो पब्लिक में सात मेंबर चाहिए, वो कम हो जाते हैं, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? मान लो सात मेंबर हैं, दो की डेथ हो गई, पांच रह गए, कोई शेयर भी शिफ्ट नहीं करा रहा, तो क्या होगा? कंपनी बंद तो नहीं होगी, ये पक्की बात है, ये परपेचुअल सक्सेशन में क्लियर किया लॉ ने. लेकिन अगर आपकी कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर्स लिमिट से कम हो जाते हैं, तो उसके ऊपर एक सेक्शन बनाया है, सेक्शन नंबर 3A लॉ मेकर्स ने. और वो क्या बोलता है वो हम देखकर चलते हैं बच्चों. अब आ रहा है, पहले हम लिखते हैं मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ कंपनी. एक कंपनी में कितने मिनिमम लोग होते हैं? प्राइवेट कंपनी में टू,
ओपीसी में वन और पब्लिक कंपनी में सेवन, तो प्राइवेट में दो ओपीसी में एक और पब्लिक में सात, ठीक है। ये मैंने डिफरेंस में भी लिखवाया था, पब्लिक प्राइवेट का डिफरेंस में, ठीक है बच्चों। तो ये कम से कम नंबर ऑफ मेंबर होते हैं। इफ एट एनी टाइम नंबर ऑफ मेंबर्स आर रिड्यूस बिलो स्टेटूटरी लिमिट एंड कंपनी कैरी ऑन बिजनेस फॉर मोर देन सिक्स मंथ्स, तो लॉ ने कहा इफ एट एनी टाइम नंबर ऑफ मेंबर रिड्यूस बिलो स्टेटूटरी लिमिट एंड कंपनी कैरीज ऑन बिजनेस फॉर मोर देन सिक्स मंथ, अगर आपकी कंपनी के अंदर नंबर ऑफ मेंबर कम हो जाते हैं लिमिट से और कंपनी छह महीने तक मेंबर इंक्रीज नहीं करती, मतलब उनके बच्चों को या नए लोगों को जो भी है, मतलब वैसे तो बच्चे ही मालिक बनेंगे किसी की डेथ के बाद, या कोई शेयर बेचेगा तो ए बेचेगा, ए चला जाएगा तो उसकी जगह बी आ जाएगा, ए चला जाएगा तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो अगर जो कंपनी है आपके नॉलेज के लिए कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर लिमिट से कम हो जाते हैं और छह महीने तक भी कंपनी उसको ठीक नहीं करती और बिजनेस चलाती रहती है, तो आपके ऊपर इसका इफेक्ट आकर चलेगा कंपनी के मेंबर्स पे। वो क्या इफेक्ट होगा वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब इसका क्या होगा, पहला पॉइंट, कंपनी शेल नॉट बी क्लोज्ड, बंद तो नहीं होगी क्योंकि परपेचुअल सक्सेशन है। कंपनी बंद तो होगी नहीं, परपेचुअल सक्सेशन है, ये तो क्लैरिटी है, क्योंकि क्वेश्चन लिंक हो क्या आ सकता है, मेंबर हो गए, कंपनी बिजनेस करी जा रही है, साल हो गया, दो साल हो गया, मेंबर कम हो गए हैं, तो भैया परपेचुअल सक्सेशन की वजह से बंद तो होने रही। और सेकेंड नंबर जो इसका इफेक्ट आएगा, एवरी पर्सन हु इज अ मेंबर ड्यूरिंग द टाइम डेट इट सो, एवरी पर्सन हु इज अ मेंबर ड्यूरिंग द टाइम डेट इट सो carries on business after those 6 months. इन्होंने कहा every person who is a member during the time that is so carries on business after those 6 months. हर वो person जो member है और business को carry कर रहा है after 6 months, ठीक है, 6 महीने तक के, तो बच्चों then such members shall be personally then such members shall be personally likha sabhi ne shall be personally आगे चलते हैं लायबल फॉर डेट्स कॉन्ट्रैक्टेड आफ्टर 6 months. पर्सनली लायबल फॉर डेट्स कॉन्ट्रैक्टेड आफ्टर क्या 6 months. हाँ बच्चों, इसका मतलब समझो आप प्लीज।
एक कंपनी के मेंबर कम हो गए, 6 महीने तक मेंबर बढ़ा ले, 6 महीने तक मेंबर नहीं बढ़ाया, 6 महीने के बाद कंपनी जो भी कॉन्ट्रैक्ट, 6 महीने तक नहीं, 6 महीने के बाद जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी कंपनी, मेंबर की लायबिलिटी पर्सनल हो जाएगी, मतलब वहां पे लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी किसकी, मेंबर्स की। तो आप 6 महीने तक कर लो, कंपनी की लायबिलिटी रहेगी, 6 महीने के बाद जो भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे, माल बेचने का, खरीदने का, फर्नीचर लेने का, कुछ पैसे लेने का, देने का, कुछ नुकसान हुआ तो मेंबर उसके लिए पर्सनली क्या होंगे, लायबल होकर चलेंगे। इसके लिए मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। मान लो बच्चों आपके पास ये 1/10/19 है, यहां पे 31/3/20 है, एक डेट है 1/10/19 31/3/20, यहां पे मेंबर्स ऑफ कंपनी फॉल बिलो द लिमिट, जो भी लिमिट है प्राइवेट में पब्लिक में 2-7 की, आपके जो मेंबर्स ऑफ कंपनी फॉल बिलो द लिमिट, मेंबर्स जो है ना लिमिट से कम हो जाते हैं, और ये विद इन 6 मंथ्स का टाइम है, ये विद इन 6 मंथ्स का टाइम है, तो जो भी डेट्स इस बीच होंगे, जो भी डेट्स इस बीच होंगे कॉन्ट्रैक्टेड बाय कंपनी, इसके लिए तो कंपनी इज लायबल, इसके लिए कंपनी लायबल होगी। 6 महीने तक मेंबर बढ़ाने की छूट है, तो कंपनी जैसे पहले भी लायबल थी अब भी लायबल होगी, और जो आफ्टर 6 मंथ्स होगा डेट्स कॉन्ट्रैक्टेड आफ्टर 6 मंथ्स, उसके लिए मेंबर्स आर पर्सनली लायबल अंडर सेक्शन 3A। समझ आई बात? तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने के बाद कॉन्ट्रैक्ट होगा, नया कॉन्ट्रैक्ट, पुराना नहीं, जो पुराना टाइम के कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए कंपनी लायबल है, 6 महीने के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके लिए मेंबर की लायबिलिटी क्या होगी, पर्सनल होकर चलेगी। सो डन है, पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट है इस पर पूछिए। चलिए आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। बच्चों एक चीज आप सोच रहे होंगे कि सर आपने बुक तो रीड कराई नहीं। बच्चों मैं 100% नोटिंग करूंगा क्लास में, मैं एक भी अक्षर बुक से नहीं पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन पढ़ाऊंगा आपको बुक से सारे, या कोई डिफरेंस होगा छोटा मोटा वो मैं, मुझे 100% लिखवाना है जितना भी मैटर है, तभी आपको थ्योरी लर्न होगी। अगर मैं लिखूंगा नहीं तो टाइम डिवोट नहीं होगा, और टाइम डिवोट नहीं होगा तो आपको लर्न नहीं होगा। तो हाँ, लिखने की ये सिस्टम ये है कि 100%। हाँ जहां पे जरूरत पड़ेगी बुक रीडिंग कराऊंगा, पर मैंने बुक से ही लिख रहा हूँ, मैं एक एक वर्ड बुक से ही लिख रहा हूँ। तो अल्टीमेटली ये जो मैटर है ना, आपको तभी हम बोलते हैं अपोजिट पेज पे नोट करो, आपको यही नोटिंग अल्टीमेटली लर्न करनी है, सब एग्जाम्पल्स के साथ इनबिल्ट है। बस क्वेश्चंस हम करेंगे बुक से भी करेंगे, स्कैनर से भी करेंगे, और इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से भी करेंगे। अभी टॉपिक करना थोड़ा शुरू कर दें तो जल्दी एक दो क्लासों में हम क्वेश्चन भी स्टार्ट कर देंगे जितने टॉपिक हमारे होने हो गए हैं। चलिए, देयर आर 7 मेंबर्स इन एबीसी लिमिटेड, all the 7 members
आर डाइड इन एन एक्सीडेंट वेदर कंपनी शैल बी डिसॉल्व. बताओ क्या कंपनी बंद हो जाएगी? बताओ बच्चों क्या कंपनी बंद हो जाएगी? नो. तो बिल्कुल भी बंद नहीं. किसकी वजह से? परपेचुअल सक्सेशन की वजह से. इसमें यह भी पूछा होता कि 6 महीने के बाद कॉन्ट्रैक्ट किया तो कौन लायबल होगा, तो फिर सेक्शन 3A भी लिख देते. प्रिकॉशन परपेचुअल सक्सेशन एक्सप्लेन करेंगे और उसका कंक्लूजन आ जाएगा हमारे पास. डन है? पॉइंट क्लियर है सभी को? ओके चले फिर आगे बच्चों. डन है? चले तो हमने 2 फीचर लिख लिए, सेक्शन 3A साथ में कर लिया. एक डाउट आया एक बार देखते. एक बच्चा पूछ रहा है मेंबर शेयर होल्डर में डिफरेंस है. बिल्कुल है, पर अभी नहीं, आगे टॉपिक आएगा तब बताऊंगा. ठीक है, फिर टॉपिक में ही लिंक करेंगे. पर डिफरेंस है, हम मान के चलते हैं कि मेंबर में और शेयर होल्डर में डिफरेंस है, पर वो अभी अभी 1-2 क्लासों में आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा. पूरा कंसेप्ट आएगा, ऊपर ऊपर से बताने का कोई फायदा नहीं है बच्चों, डिटेल में ही आपके पास आ जाएगा. अभी 1-2 क्लास प्लीज आप वेट करें. फिर नंबर 3, लिमिटेड लायबिलिटी तो लायबिलिटी का पॉइंट तो हम लिख चुके हैं. या तो लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, लायबिलिटी लिमिटेड बाय क्या होती है, गारंटी होती है. तो बच्चों लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर डिपेंड्स अपॉन काइंड ऑफ कंपनी ऑफ विच ही इज अ मेंबर. इन्होंने कहा लायबिलिटी डिपेंड करती है किस कंपनी के आप मेंबर हो. हाँ, अगर लिमिटेड बाय शेयर है तो अकॉर्डिंगली, लिमिटेड बाय गारंटी अकॉर्डिंगली, दोनों है तो अकॉर्डिंगली. अब इसमें टाइप्स वही एक्सप्लेन करेंगे हम, बस यहां शॉर्ट में करेंगे. हम यहां पे शॉर्ट में करेंगे. अब आ रहा है लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स. लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स तो क्या होता है? लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स मेंबर्स आर लायबल टू एक्सटेंट ऑफ अमाउंट अनपेड इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स हेल्ड. मेंबर्स आर लायबल टू एक्सटेंट ऑफ अमाउंट अनपेड इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स हेल्ड और लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी. तो ये सेम टॉपिक है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बच्चों, कि टाइप्स ऑफ कंपनी में लिमिटेड बाय गारंटी. टाइप्स में तो आएगा लायबिलिटी का पार्ट है तो, और गारंटी में आपको पता ही है, मेमोरेंडम में लिखा जाता है कि ये मेंबर इतने पैसे देगा और पैसा वाइंडिंग आपके समय यूज होकर चलेगा. तो मेंबर्स आर लायबल ओनली टू एक्सटेंट ऑफ अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन only in case of winding up of company. members are liable
ओनली टू एक्सटेंट ऑफ अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन ओनली इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, तो कंपनी के वाइंडिंग अप के समय, ये पर नोट करें। तो सेम है लाइबिलिटी। अब बच्चों लिखा आपने, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि अगर सर कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसका बेटा भी इंसॉल्वेंट हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं होती। एक बात समझना आप लोग, एक पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया तो ये थोड़ा ना कि क्या पता इंसॉल्वेंट क्यों हुआ वो, क्या पता उसने किसी बैंक के किसी और पैसे को देना है, पर कंपनी के तो उसने पूरे पैसे दे रखे हैं ना, कंपनी के उसने पूरे पैसे दे रखे हैं तो वो कंपनी में तो मेंबर बन ही जाएगा। तो मान लो एक पर्सन ने 20 लोगों के पैसे देने हैं और एक जने के पैसे की वजह से वो इंसॉल्वेंट हो गया, पैसा बहुत ज्यादा था, पर 19 जनों के उसने पैसे नहीं देने, तो वो राइट तो लेगा ना। मान लो एक घर है, एक घर उसके पापा का नाम था, उसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, तो घर तो अपने नाम करवाएगा ही करवाएगा ना बच्चों, ठीक है। वो बात अलग है इंसॉल्वेंसी में बाद में चाहे वो घर बिक जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पापा भी इंसॉल्वेंट है तो बच्चा भी क्या हो जाएगा, इंसॉल्वेंट हो जाएगा। बच्चे को तो उतनी लायबिलिटी पे करनी है जितनी उसको फादर से क्या मिली थी, असेट्स मिलकर चली थी। तो किसी का भी चिल्ड्रन उतने तक के लिए लायबल होता है फादर की लायबिलिटी के लिए जितनी उसको फादर से क्या मिली है, असेट्स मिलकर चली। डन है। अच्छा अभी जो बच्चे पूछ रहे थे, एक बच्चा पूरा शेयर होल्डर मेंबर में क्या डिफरेंस है, चलो एक मैं ऊपर से बता देता हूं, एक मिनट लेके। बच्चों जिस कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं होती, जिस कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं होती, जैसे गारंटी कंपनी है, क्योंकि मैं यहां पे आ गया हूं अब टॉपिक पे हल्का सा, गारंटी कंपनी में शेयर कैपिटल हो भी सकती है और नहीं, तो मान लो गारंटी में शेयर कैपिटल नहीं है तो वहां पे मेंबर ही होंगे, वहां शेयर होल्डर नहीं होंगे, ठीक है ना, वहां मेंबर ही होंगे, शेयर कैपिटल ही नहीं है तो शेयर होल्डर कैसे कोई बन जाएगा, तो वहां मेंबर ही कहलाएंगे। जिस कंपनी के अंदर शेयर कैपिटल होती है, जिस कंपनी में शेयर कैपिटल होती है, आपकी नॉलेज के लिए, जिस कंपनी में शेयर कैपिटल होती है बच्चों, उस कंपनी में लोग पहले मेंबर बनते हैं, क्योंकि कंपनी बनाने के लिए मिनिमम मेंबर की जरूरत है 2 या 7, समझना प्लीज, कंपनी बनाने के लिए मिनिमम मेंबर की जरूरत है 2 या फिर 7 मेंबर। तो पहले लोग मिनिमम मेंबर के साथ कंपनी बना लेते हैं और बाद में कंपनी बनने के बाद उनको शेयर अलॉट होते हैं तो वो लोग बन जाते हैं शेयर होल्डर। शेयर होल्डर वही होता है जिसके पास क्या होता है, शेयर होता है, पर मेंबर होने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई भी शेयर हो। जब कंपनी बनती है उस समय आपके पास शेयर नहीं होते, शेयर बाद में अलॉट होकर चलते हैं, ठीक है। पहले कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, अलॉटमेंट एप्लीकेशन तो बाद के स्टेजेस हैं, ठीक है। तो पहले आप मेंबर बनते हो, फिर जब उनको शेयर अलॉट हो जाते हैं वो क्या बन जाते हैं, शेयर होल्डर बन जाते हैं। और जिस कंपनी में शेयर कैपिटल होती नहीं है तो वहां शेयर होल्डर नहीं होते, वहां पे सिर्फ क्या होते हैं, मेंबर होकर चलते हैं, ठीक है बच्चों। एक बच्चा दोबारा पूछ रहा है कि इंसॉल्वेंट का क्या पॉइंट है। बच्चों जो पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है और वो कंपनी में एज अ मेंबर रह सकता है पर वो नई कंपनी में मेंबर नहीं बन सकता। मान लो एक्स एक पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया तो उस कंपनी में ही कैन रिटेन एज अ मेंबर, बट वो किसी नई कंपनी में मेंबर नहीं बन पाएगा, बिकॉज इंसॉल्वेंट कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता इंसॉल्वेंट होने के बाद। और जब वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा और मान लो इंसॉल्वेंसी के बाद वो कंपनी की मेंबरशिप छोड़ रहा है तो वो छोड़ेगा कि उसके शेयर बिकेंगे तभी छोड़ेगा, तो छोड़ेगा तो नया पर्सन उसकी जगह क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास फीचर नंबर फोर बच्चों पॉइंट आ रहा है अब हमारे पास आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्या होता है हमारे पास, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एज इट इज क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस other than natural birth, it is legal
एज इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, इट इज अ पर्सन सिंस इट इज क्लोथ since it is clothed with all rights of an individual like capacity to contract, to file suit, etc. एक बार नोट करिए फिर समझते हैं, एक बार नोट करिए फिर समझते हैं। इन्होंने कहा कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल बच्चों नेचुरल ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, दिखती थोड़ी ना कंपनी, आर्टिफिशियल पर्सन है, पर लॉ की नजरों में इसको बनाया गया, एक अलग आइडेंटिटी दी गई है। और बच्चों इस आइडेंटिटी की वजह से कंपनी के पास जनरली वो सारे राइट है जो हमारे पास है, जैसे किसी के ऊपर केस करना, पैसे लेने का राइट, कॉन्ट्रैक्ट करने का राइट, अपने नाम से माल बेचना, अपने नाम से माल खरीदना। तो अगर ऐसा ना करते फिर तो कंपनी अपने नाम से कोई कॉन्ट्रैक्ट ना कर पाती, फिर डायरेक्टर को करना पड़ता ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। बट अब जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कंपनी के नाम से होगा, बिकॉज कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड इन द आईज ऑफ क्या, लॉ। लॉ की नजरों में कंपनी क्या हुई है, क्रिएट हुई है, इसकी अलग आइडेंटिटी है और इसके पास वो सारे राइट है जो किसके पास होते हैं, इंडिविजुअल के पास होकर चलते। तो आ रहा है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एज इट इज क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस अदर देन नेचुरल बर्थ, इट इज लीगल एज इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, नेचुरल बर्थ लॉ नहीं बनाया है। और इट इज अ पर्सन सिंस इट इज क्लोथ विद, क्लोथ मतलब इसके पास वो सारी फैसिलिटीज हैं, वो राइट्स हैं जो इंडिविजुअल के पास अवेलेबल हैं, जैसे केस करना, सूट फाइल करना, सूट मतलब केस करना किसी के ऊपर, ये सारे राइट होकर चलते हैं। फिर आगे लिखते हैं इसके आगे, एज कंपनी is an artificial person, it can act only through some human agency like through directors. तो बच्चों कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है और इसीलिए इसको एक ह्यूमन बीइंग की जरूरत है जो इसको चलाए, तो तभी डायरेक्टर्स जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, कंपनी को मैनेज करके चलते। ठीक है आगे लिखते हैं, कंपनी कैन कॉन्ट्रैक्ट विद मेंबर्स, ये जो मेंबर्स के साथ शेयर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट होता ही है, हैविंग अ बैंक अकाउंट, अपने नाम से खाता, रेज लोन्स, इनकर लाइबिलिटीज एंड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। कंपनी लोन रेज कर सकती है, लाइबिलिटी इनकर कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर कर सकती है, इट कैन डू एवरीथिंग विच अ नेचुरल पर्सन कैन डू एक्सेप्ट, जो एक नेचुरल पर्सन कर सकता है वो सारे काम कंपनी भी कर सकती है, एक्सेप्ट बी सेंट टू जेल टेक ऑन ओथ मैरी एक्सेट्रा। कंपनी जेल नहीं जा सकती, बच्चों जेल में कैसे जाएगी, आर्टिफिशियल पर्सन है,
कंपनी शपथ, ओथ मतलब शपथ लेना, मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं कह रहा, ओथ नहीं ले सकते। और शादी, कंपनी की शादी नहीं हो सकती। तो ये राइट्स नहीं है, बट वैसे कंपनी के पास केस करने का, माल खरीदने का, माल बेचने का, कॉन्ट्रैक्ट करने के, ये सारे राइट्स क्या हैं, अवेलेबल। तो कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है और लॉ की नजरों में क्रिएट हुई है, और इसकी ह्यूमन एजेंसी इसको क्या करते हैं, चला के चलते हैं। डन है, पॉइंट क्लियर है बच्चों सभी को, आगे चल। पॉइंट नंबर फिफ्थ, इनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट आ सकता है, दो नंबर में, तीन नंबर में, डिफाइन आर्टिफिशियल पर्सन, डिफाइन परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन के ऊपर आपको बच्चों केस स्टडी क्वेश्चन भी आ सकता है, वो जो मैंने एग्जांपल लिखवाया था आपको उस तरह का। अब आ रहा है कॉमन सील, कॉमन सील इट मींस ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ कंपनी विच इज अफिक्स्ड बाय ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ कंपनी ऑन इट्स एवरी डॉक्यूमेंट। बच्चों अब पॉइंट यहां पे क्या आता है, हमारे पास पॉइंट यह है कि बच्चों ये कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर है, ये कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर है, और बच्चों जहां पे कंपनी को साइन करने होते हैं तो उसकी कॉमन सील लगती है। ये कैसे होती है मैं आपको बताता हूं, ये ना वाटरमार्क फॉर्म में होती है बच्चों, जैसे आपकी सीबीएसई की मार्कशीट आई है तो पीछे वाटरमार्क फॉर्म में सीबीएसई 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 लिखा होता होगा, ऐसी ये ना वाटरमार्क फॉर्म में होती है, मतलब जैसे मतलब एक स्टैंप होती है उसके बीच में पेपर डालो, इसे इस तरह से स्टैंप है, इसके बीच में पेपर डाला, इसको पंच कर दिया तो वहां पे वाटरमार्क बन जाता है कंपनी का, वो उसकी कॉमन सील होती है। तो कॉमन सील कंपनी का सिग्नेचर है, जहां पे कंपनी को साइन करना है वहां पे कॉमन सील लग जाती है, जो उसके ऑफिसर या एम्प्लॉय लगाकर चलते हैं। और साथ में इसमें द कॉमन सील यूज बाय अ कॉरपोरेशन एज सिंबल ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। और ये इसका सिंबल ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, तो कॉमन सील कंपनी इनकॉर्पोरेट होते उसको सील मिल जाती है और इससे पता लगता है कंपनी क्या हो गई है, इनकॉर्पोरेट हो गई है। अब क्या है बच्चों, हमारे पास कॉमन सील इज ऑप्शनल, ये बस सेक्शन 9 में लिखी है। अब सुनिएगा, आज से कुछ साल पहले बच्चों, आज से कुछ साल पहले आपकी नॉलेज के लिए जैसे कॉमन सील मैंडेटरी होती थी, पर जब से नया कंपनीज एक्ट आया ना, कॉमन सील ऑप्शनल हो गई है। मतलब अगर आप कॉमन सील अब नहीं लगाओगे, अगर अब आप कॉमन सील नहीं लगाओगे ना, तो उसकी जगह डायरेक्टर ऑफिसर अभी लिख रहे हैं पॉइंट, उनके साइन करवा लो, इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉमन सील। तो न्यू कंपनीज एक्ट ने कॉमन सील को ऑप्शनल कर दिया है, जबकि पुराने कंपनीज एक्ट में जहां पे कंपनी की सिग्नेचर थी सील लगानी जरूरी होती थी, पर आज की डेट में अगर आप कॉमन सील नहीं भी लगाओगे तो डायरेक्टर्स के साइन करा दो, इक्वल टू क्या होगा, कॉमन सील होगा, इक्वल टू कॉमन सील होकर चलेगा। ठीक है, तो आज कॉमन सील मैंडेटरी रिक्वायरमेंट खत्म कर दिया सेक्शन 9 ने, अर्लियर ऐसा नहीं था। अब लिखते हैं इसके अंदर, इन केस कंपनी डज नॉट हैव अ कॉमन सील, अगर कंपनी की कोई कॉमन सील नहीं है, दी ऑथराइजेशन
शैल बी मेड बाय टू डायरेक्टर्स, टू डायरेक्टर्स और बाय डायरेक्टर एंड सीएस वेयर एवर कंपनी हैज अपॉइंटेड अ सीएस। अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है, क्योंकि ऑप्शनल कर दिया है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, तो दो डायरेक्टर साइन कर दें या फिर डायरेक्टर एंड सीएस कर दें अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है। तो अगर कंपनी में सीएस नहीं है, अगर कंपनी में सीएस नहीं है तो बच्चों उस केस के अंदर आपकी काइंड नॉलेज के लिए दो डायरेक्टर साइन कर दें, और अगर कंपनी में सीएस भी है तो डायरेक्टर एंड सीएस साइन कर दें, सीएस इक्वल टू कॉमन सील के बराबर हो जाए। डन है, एक बार नोट करिए प्लीज। चलिए, एक बच्चे का डाउट आया कि कंपनी में असेट्स जो हैं वो शेयर होल्डर की उतनी होती है जितने उसके परसेंटेज ऑफ शेयर है। बच्चों अगला पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं, उसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको, ठीक है? इससे लिंक है। अगला पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं 6 नंबर, वो उसी से ही रिलेट करता है। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे इस पॉइंट कि शेयर होल्डर की परसेंटेज असेट्स में कैसे होती है, ठीक है? लिखा। अब नंबर 6 पॉइंट, नंबर 6 पॉइंट, सेपरेट लीगल एंटिटी इट मींस कंपनी एंड इट्स मेंबर्स बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। अच्छा पॉइंट है बच्चों, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कंपनी और उसके मेंबर दोनों अलग अलग बातें हैं। पार्टनरशिप फर्म में फर्म और पार्टनर एक ही हैं, तभी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। यहां पे कंपनी और मेंबर अलग हैं, मतलब कंपनी के काम के लिए कौन लायबल होगा? कंपनी। मेंबर की लायबिलिटी तो कॉल का पैसा जितना अनपेड है, या गारंटी दे रखी तो गारंटी का पैसा जो अनपेड है उतने तक ही होती है। तो प्रैक्टिकली बात करें, कंपनी के काम के लिए कंपनी लायबल है, कोई क्रेडिटर शेयर होल्डर है मेंबर के घर पे नहीं पहुंच जाएगा। अब जो भी क्वेश्चन आया था बच्चे का कि सर असेट्स में क्या हिस्सा होता है, ऐसे नहीं, कंपनी की प्रॉपर्टी पे पहला राइट कंपनी का ही है। जब तक कंपनी बंद नहीं होती, वाइंड अप नहीं होती, तब तक शेयर होल्डर का कोई राइट नहीं है। इन द सेंस, मतलब उसके पैसे लगे हैं कंपनी में, वो मालिक है, पर कंपनी की प्रॉपर्टी पे पहला राइट हमेशा कंपनी का है। जब कंपनी डूब जाएगी या फिर अपनी इच्छा से बंद कर रहे हैं, उस समय लायबिलिटी पे करने के बाद जो पैसा बचेगा शेयर होल्डर की जितनी रेशो है, उस रेशो में पैसा उनको मिल जाएगा। तो हम ये नहीं कह सकते मेरे पास 10% शेयर हैं तो मैं 10% असेट का मालिक हूं, ऐसा नहीं है। अब जब तक मुझे पैसा आज मिलना ही नहीं, हाँ मैं वैसे सोच सकता हूं कि मैं 10% मालिक हूं, 20% मालिक हूं, 30% मालिक हूं इस कंपनी का, वो एक अलग बात है। लेकिन बच्चों मैं ऐसे असेट्स नहीं ले सकता, कंपनी के असेट बेचना, खरीदना, कॉन्ट्रैक्ट करना, सब कंपनी के राइट है। जब कंपनी वाउंड अप हो जाएगी तो बच्चों कंपनी उस समय लायबिलिटी पे करने के बाद जो बचेगा वो जिसकी जितनी शेयर होल्डिंग है उसको दे देगी। मान लो मेरी शेयर होल्डिंग 20% है और कंपनी के पास जो पैसा मिल बचेगा बाद में, तो कंपनी मुझे 20% उसमें से दे देगी। लेकिन वैसे राइट्स तो होता है ना असेट के ऊपर, किसका होता है? कंपनी का ही होकर चलता है। तो बच्चों लिखते हैं आगे इसको, पॉइंट को, कंपनी इज केपेबल ऑफ ऑनिंग एंजॉइंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। कंपनी ओन कर सकती है, एंजॉय कर सकती है, डिस्पोज मतलब बेच सकती है अपने नाम से, तो सब कुछ कंपनी का ही है। ऑल्दो
कैपिटल एंड एसेट्स आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय शेयर होल्डर्स द कंपनी becomes the owner of its capital and assets. कंपनी ही ओनर होती है, चाहे पैसा उसमें शेयर होल्डर का लगाओ, मालिक कंपनी ही होगी. शेयर होल्डर्स आर नॉट the private owners of company's property. Shareholder कोई private owner नहीं है company की property के. They are not the private owners. मतलब ये नहीं वो सोचे कि मेरा मेरी asset है, मैंने 2 लाख दे रखे हैं तो ये AC मेरा लगा है, TV नहीं. Company का ही right है. कंपनी बंद होगी तभी आपको पैसा मिलेगा, या आप शेयर बेच के पैसा ले लो किसी और शेयर होल्डर से, या फिर आप कंपनी जब बंद होगी तो ही आपका जितना पैसा बचेगा तो ही आपको मिलेगा. ये नहीं कि भाई मैं 4 लाख मैंने लगाए तो 4 AC मेरे हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं होकर चलता. आ मेंबर डज नॉट इवन हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी. तो ये इसका दूसरा नाम है कि मेंबर का कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होता प्रॉपर्टी में. मेंबर का कोई भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होता प्रॉपर्टी में, मतलब ये होता है कंपनी और मेंबर दोनों अलग अलग बात है. कंपनी के सेट्स पे पहला राइट किसका है? कंपनी का ही है. और बच्चों ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये तो मैंने अभी शॉर्ट में लिखा है, इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा इसी चैप्टर के अंदर लास्ट में, जब मैं लास्ट में आऊंगा इस चैप्टर के. अभी तो मैंने आपको समझा दिया कंपनी और मेंबर दोनों क्या हैं, अलग अलग बातें हैं. कंपनी अपने नाम से असेट ले सकती है, अपने नाम से बेच सकती है, और कंपनी की प्रॉपर्टी पे पहला राइट किसका है? कंपनी का होकर चलता है. डन है, पॉइंट क्लियर है? तो फीचर डन है, रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है, परपेचुअल सक्सेशन है, कंपनी की लाइफ मेंबर की लाइफ पर डिपेंड नहीं करती, लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है और शेयर कैपिटल बेस भी हो सकती है. साथ में जो कंपनी होती है बच्चों आपके नॉलेज आर्टिफिशियली क्रिएटेड है और कॉमन सील अब ऑप्शनल हो गई है. 2 डायरेक्टर के साइन करा लो या डायरेक्टर प्लस CS के साइन करा लो, इक्वल टू कॉमन सील है. और कंपनी और मेंबर दोनों अलग अलग बातें हैं. कंपनी के काम के लिए लायबल भी कौन होता है? कंपनी ही होकर चलती है. मेंबर की तो लायबिलिटी उतनी है जितना कॉल का पैसा अनपेड है, और गारंटी के समय आपको पता जितनी उसने क्या दे रखी है, गारंटी देकर चली हुई है. अब आगे चलते हैं, फीचर्स हमारे खत्म हुए. एक पॉइंट लिखते हैं पहले प्लीज. नेक्स्ट आ रहा है, इस कंपनी आ सिटीजन क्या कंपनी सिटीजन है? इस कंपनी आ सिटीजन सिटीजनशिप अंडर सिटीजनशिप एक्ट इज अवेलेबल ओनली टू एन इंडिविजुअल ओनली टू एन इंडिविजुअल देयरफोर No company can be a citizen of India. कोई भी कंपनी भारत के सिटीजन नहीं हो सकते. बच्चों सिटीजन का मतलब भारतीय नागरिक. देखो नागरिक वो है जिसके पास इलेक्शन में वोट डालने का राइट है. कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, वो जो देश के लोकसभा के इलेक्शन होते हैं हम उसमें वोट नहीं डाल सकती. तो कंपनी सिटीजन नहीं है. सिटीजनशिप का जो राइट होता है वो सिर्फ किसको मिलता है? इंडिविजुअल को मिलकर चलता है. जो भी सिटीजनशिप का राइट है वो सिर्फ इंडिविजुअल को ही मिलकर चलता है. ठीक है. और नंबर टू,
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स सर्टेन फंडामेंटल राइट्स टू एवरी पर्सन whether citizen or not. So company registered in India can enjoy all fundamental rights which are available to all persons. Example, right to file suit. अभी कह रहे हैं जो भारत का संविधान है उसने हर पर्सन को एक राइट दिए, सिटीजन हो या ना हो, तो कंपनी के पास भी सारे फंडामेंटल राइट है, लेकिन कंपनी सिटीजन नहीं है क्योंकि वोट डालने का राइट नहीं है, देश के इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकती. हाँ, बाकी राइट है, कोई गलत कर रहा है कोर्ट में केस करना, किसी ने नुकसान पहुंचाया उसके खिलाफ एक्शन लेना, कोर्ट में उसको सजा दिलवाना, वो सब राइट है. तो एक फंडामेंटल राइट किसी के साथ गलत हो रहा है बिकॉज कंपनी भी आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको मिला है, बट कंपनी इज नॉट द सिटीजन बिकॉज कंपनी कांट वोट इन द इलेक्शन ऑफ इंडिया. ठीक है, जो इंडिया के इलेक्शन होकर चलते हैं. नोट करिए प्लीज. चले, डन है, चले. फिर आ रहा है मैंडेटरी टू यूज ऑफ लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड. मैंडेटरी टू यूज ऑफ लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड. बच्चों, एंड ऑफ इट्स नेम, कंपनी के नाम के आगे जो प्राइवेट कंपनी होती है उसको प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखना जरूरी है, जो पब्लिक कंपनी है उसको लिमिटेड वर्ड लिखना जरूरी है. पता ही हमें, लेकिन एक पॉइंट है तो लिखना ही हमें. ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड इस तरह से, वो ब्रैकेट में नेक्स्ट लाइन में ओपीसी आता है, मतलब ओपीसी जो भी नाम होगा ओपीसी का उसके आगे प्राइवेट लिमिटेड ब्रैकेट में ओपीसी आ जाता है. और नॉन प्रॉफिट कंपनी अंडर सेक्शन 8 नॉट रिक्वायर्ड टू यूज वर्ड्स लिमिटेड ऑब्लिक प्राइवेट लिमिटेड एट एंड ऑफ इट्स नेम. इसको जरूरत नहीं होती, इसको नाम के आगे कोई ऐसा वर्ड नहीं होता. ये इस तरह से लिखा जाता है बच्चों, एबीसी आर नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, इस तरह से. तो नॉन प्रॉफिट कंपनी जो होती है उसके नाम के आगे लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड वर्ड नहीं आता. हाँ, पब्लिक के आगे लिमिटेड, प्राइवेट के आगे प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी के प्राइवेट लिमिटेड, नीचे ब्रैकेट में क्या ओपीसी वर्ड यूज होकर चलता है. ठीक है, चलिए. अब एक बार टॉपिक इतना ही करेंगे, रिवाइज करते हैं फास्टली.
आज हमने आते ही ई मोड का कंसेप्ट किया। ई मोड में हमने जो पांचवे पॉइंट से लिखना शुरू किया, वेब बेस्ड मार्केटिंग, ट्रांजेक्शनल सर्विसेज, डाटाबेस सर्विसेज, सब्सक्रिप्शन इंडिया। एक बच्चे का डाउट भी आया था, सब्सक्रिप्शन इंडिया मतलब शेयर्स के लिए अप्लाई करना, मतलब इंडिया में वो क्या कर रहे हैं, अपनी कोई वेबसाइट बना के उनसे पैसा पैसा ले रहे हैं शेयर्स के सब्सक्रिप्शन के लिए, ठीक है, पैसा ले रहे हैं इंडियन सिटीजन से पैसा ले रहे हैं, तो उसको हम छठा पॉइंट। और डाटा कम्युनिकेशन सर्विसेज, ईमेल, मोबाइल, सोशल मीडिया के थ्रू पैसा कमा रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग, तो ये एक तरह से ई मोड है। उसके अलावा बच्चों हमारे पास, हमने ये पढ़ा, कंपनी जो होती है आपके नॉलेज के लिए, जो भी हमारे पास कंपनी होती है उसके मेन फीचर्स क्या होते हैं, तो हमने परपेचुअल सक्सेशन मेन फीचर है बच्चों, मेंबर की लाइफ के अकॉर्डिंग कंपनी की लाइफ नहीं चलती, बंद करने ओपन करने का प्रोसीजर है सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी और मेंबर अलग अलग बातें, कंपनी के काम के लिए कंपनी लायबल है, कंपनी असेट्स ले सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और कॉमन सील ऑप्शनल है, दो डायरेक्टर या डायरेक्टर प्लस सीएस के साइन करा दो, इक्वल टू कॉमन सील है। और कंपनी का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मैंडेटरी है, लायबिलिटी या तो लिमिटेड बाय शेयर्स या जितना अमाउंट अनपेड है या गारंटी उसके जितना होकर चलता है। और सेक्शन 3A हमें बोलता है अगर कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर कम हो जाते हैं, 6 महीने के बाद जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करेगी उसके उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबिलिटी कंपनी की ना होकर मेंबर्स की लायबिलिटी क्या हो जाएगी, पर्सनल हो जाएगी। कंपनी सिटीजन नहीं है बट एक जनरल राइट्स उसके पास है जो हर पर्सन के पास होते हैं, केस करना एक्सेट्रा। और साथ में बॉडी कॉर्पोरेट वो होता है बच्चों जिस जो आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है, उसके फीचर्स किसकी तरह है, कंपनी की तरह है, उसको हम बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड बोलकर चलते हैं। और नाम के आगे आपको लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड लगाकर चलना होता है, ठीक है। तो बच्चों प्लीज कोई डाउट हो तो आप लोग पूछिए, ठीक है। और अभी हम इतना ही कर रहे हैं तो आप लोग रिवाइज करिए इस टॉपिक को, ठीक है। और बच्चों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, दो अनाउंसमेंट अभी मैं करने जा रहा हूँ, कोई डाउट हो तो पूछ लो आप इतना। बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल अनाउंसमेंट नंबर वन, ये एक जनरल अनाउंसमेंट है जो ये लाइव क्लास देख रहा है। बच्चों आप लोग ICAI का एडमिशन कराएं, जो दिल्ली में कराना है, तो करनाल वाले बच्चे, करनाल की मैम, हम नंबर आज डाल देंगे अनाउंसमेंट के अंदर करनाल की मैम का, आप उनसे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे उनको डॉक्यूमेंट भेजो, आपका एडमिशन कराती हैं। और कुरुक्षेत्रा वाले कुरुक्षेत्र से, दिल्ली वाले सॉरी पानीपत वाले पानीपत से ले, और बाकी जो सेंटर कोई और क्लास देख रहा है तो वो अकॉर्डिंगली अपने रिस्पेक्टिव सेंटर से बात करें, उनको व्हाट्सएप से डॉक्यूमेंट दे। मैं तीनों सेंटर की डिटेल डाल दूंगा आज, ठीक है, ताकि आप वहां से देख कर चल सकते हैं। सेकेंड थिंग बच्चों, जो हमारा ICS का रजिस्ट्रेशन है वो आपको बाय मंडे लेना होगा। अगर बाय मंडे आपका रजिस्ट्रेशन नहीं आता तो आप जो लोग लाइव क्लास देख रहे हैं आपको बैच से रिमूव कर दिया जाएगा। वी हैव फुल लिस्ट किस कौन कौन सा बच्चा हमारे पास अभी की एडमिशन आए हुए हैं ऑलरेडी। तो एक तो अपनी बुक्स लीजिए, आगे बुक्स की अब जरूरत पड़नी है, बुक्स के बिना हमारा काम नहीं चलेगा आगे, खासकर मैथमेटिक्स अकाउंटेंसी। और सेकेंड थिंग, अगर बाय मंडे आपका एडमिशन नहीं आता तो बच्चों उस केस में आपको ग्रुप से हटा दिया जाएगा, आप लाइव क्लास नहीं देखकर चल पाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों काम आप बच्चों शुरू करिए अपना, ठीक है, और पढ़ाई करिए और बच्चों एंजॉय भी करिए साथ साथ, ठीक है। टाइम आपके पास काफी अवेलेबल है बट पढ़ाई को ना बच्चों रूटीन से करिए। बच्चों कई लोग सोचते होंगे कोर्स बहुत मुश्किल है, मैं आपको जनरली बता दूं बच्चों, मैं इस कोर्स के अंदर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, मैं कोस्ट अकाउंटेंट भी हूँ, और कंपनी सेक्रेटरी के मेरे अराउंड 4 पेपर्स पेंडिंग है, मैंने उसके बाद पेपर दिए नहीं CS के, तो मैंने उस समय कहा बहुत पढ़ाई होगी तो मैंने लीव कर दिया। बच्चों मैं CA का भी रैंक होल्डर हूँ, ICWA का भी, कोस्ट अकाउंटेंट का भी रैंक होल्डर हूँ, और कंपनी सेक्रेटरी में भी मैंने टॉप किया है, और कॉलेज का भी टॉपर हूँ मैं अपने दयाल सिंह कॉलेज का। मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, आपको रेगुलर पढ़ना और मेहनत करनी है। और मैं बच्चों प्लस टू तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था, बहुत कम पढ़ता था, मेरे को क्रिकेट खेलने का कुछ ज़्यादा ही मतलब के शौक था, लेकिन मैंने उसके बाद पढ़ाई शुरू करी और मेरे बच्चों प्लस टू में 10th में 60-70s में परसेंटेज आती थी, फिर भी इस कोर्स में ना मैं कभी आज तक फेल हुआ हूँ और ना ही बच्चों आपके नॉलेज के लिए, और मैंने हमेशा टॉप किया है इस कोर्स के अंदर, हरियाणा के अंदर टॉपर्स में मेरा नाम आता है बच्चों। बात सिर्फ इतनी है, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, रूटीन से पढ़ोगे, सिस्टमेटिकली पढ़ोगे, रूटीन से पढ़ोगे, भाई आपको आधा घंटा शाम को इस टॉपिक की रिविजन करनी है, आधा घंटा इस टॉपिक की, आप इस कोर्स में कभी फेल नहीं होंगे। और सबसे अच्छी बात है इस कोर्स के अंदर बच्चों पेपर कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता, सब कुछ सिलेबस से आता है। हाँ पेपर अनएक्सपेक्टेड जरूर होता है, जैसे कि अनएक्सपेक्टेड का मतलब ये बच्चों
जैसे मान लो किसी चैप्टर से ज्यादा दे दिया, किसी चैप्टर से कम दे दिया, ये होता है, पर पेपर बाहर से बिल्कुल भी नहीं आकर चलता। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा पढ़ाई करो, थोड़ी सी मेहनत करो, इक्वल कैपेबिलिटी है आप में, टाइम आपके पास बहुत है, ठीक है ना, रूटीन बनाओ, डिसिप्लिन बनाओ, एंजॉय भी करो, खेलो, ठीक है, टीवी देखो, सब ठीक है, पर एक पढ़ाई का भी बच्चों आप रूटीन बनाकर चलो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास बस बच्चों 5-10 मिनट्स में शुरू होने जा रही है, ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास है आपकी। चलिए, ऑल द बेस्ट।